हेलो रूफी बात कर रहा हूं। जानता हूं, पर ये जानना चाहता हूं क्यों बात कर रहे हो। हमारे बीच में ऐसा कौन सा ताल्लुक रिश्ता रह गया जो तुम बात कर रहे हो? कहते तुम ठीक रहे हो फाइज, ताल्लुक की सारी डोरियां तुमने अपने हाथों से काटी हैं। बस एक धागा रह गया जो तलवार की तहत जैसा तेज और नामेहबान। उसे मेरी बहन की शहरक से हटा दो ताकि वो सांस ले सके, इस दुनिया से अपने हिस्से की खुशियां ले सके। उसका हक है फाइज, उसे महरूम ना रखो, उसे तलाक दे दो। मुझे भी ऐसे शहरक को काटते रिश्ते को कायम रखने का कतई कोई शौक नहीं है। मेरी सांसों को भी मुसलसल जख्मी करता है ये रिश्ता। लेकिन हाँ, मेरी एक शर्त है, इसको तो मेरी इज्जत समझ लो या मेरी अना की तस्कीन। हरीम को अपने गुनाहों का इकरार करना होगा। वो जब तक मासूम बनी रहेगी उसको इस रिश्ते से रिहाई नहीं मिलेगी। क्यों करे वो अपने गुनाहों का इकरार जब उसने कुछ किया ही नहीं है? तुम्हें बदगुमानियों के तीरों से शिकार किया गया है, मेरा यकीन करो फाइज। और अगर अभी भी मैं तुम पे और तुम्हारी बहन पे यकीन करूं तो इस रोए जमीन पे मुझसे ज्यादा अहमक और बेवकूफ इंसान कोई नहीं होगा। तो हमारे पास कोर्ट जाने के अलावा कोई और चारा नहीं है। जरूर जाओ, शौक से जाओ। आज जो बात चंद लोगों को पता है वो सारी दुनिया को पता चली थी। अच्छा है ना मेरे जैसा कोई बेवकूफ अहमक ना समझ तुम लोगों के दाम में आने से पहले 100 बार सोचेगा। तुम इतने बेरहम, इतने संगदिल तो नहीं थे? जानता हूं, जब दिल एक संगदिल से मोहब्बत करे, एक पत्थर दिल को पूजे, तो खुद भी पत्थर दिल हो जाता है। अब दिल दिल ही कह रहा, मैं भी पत्थर दिल हो गया। मैं ऐसा नहीं था।